Audio Jungle. और उसके बाद वो आदमी जिंदा हो, मैं तो हमने तो कहा कि सरकार को अब हम इसको वीडियो वायरल कर दो, मैं आपसे कह रहा हूँ, और सरकार को खबर भेज दो, हम उसको ढूंढेंगे चौकीदार को, और जहां होगा ऐसे चौकीदार को उठा के मार के फेंक देंगे एकदम, उसको किसी का कोई राइट नहीं है, ऐसे ऐसे चौकीदार को खत्म कर देने की जरूरत है। इसको कानून, ये कोई कानून अब इसके लिए नहीं। तीन तीन बच्ची के जिसने जिंदगी को ले लिया, और कितने बच्चियों की जिंदगी को लिया खत्म किया होगा इसका पता नहीं। उसके बाद छात्र सुरक्षित नहीं है, एक भी बच्ची सुरक्षित नहीं है, किसी न किसी घर पर मासूम बच्ची का लाश खोज मिल जाता है, हमारे यूथ भटकते रहते हैं। आखिर क्या कारण है कि इन माफियाओं के हाथ में, दलालों के हाथ में, इन गलत लोगों के हाथ में सत्ता क्यों चली जाती है? क्या कारण? ये माफिया अपराधी लोग ही एमएलए एमपी मंत्री बनेंगे, समाज ऐसे लोगों को ही जात के आधार पर यदि वोट देगा तो। हम तो सुने कि इस पंचायत में एक्स एमएलए का पंचायत है अरुण बाबू, फिर यहीं से प्रत्याशी थे कोई महतो जी आरजेडी पप्पू जी, बगल में फिर एक एमएलए भी, और आश्चर्य लगता है आप लोग ऐसे लोगों को वोट देते हैं जो आपकी आवाज भी नहीं उठा पाता, बुरा को बुरा कहने की हिम्मत जिसके भीतर ना हो, और अच्छाई के साथ खड़े रहने की हिम्मत ना हो, और बुरा को मिटा देने की ताकत ना हो, ऐसे लोग भी एमएलए बन जाते हैं, मंत्री बनते हैं, एमपी बन जाते हैं। 15 सालों से नीतीश कुमार जी आपके बिहार शरीफ और नालंदा में कभी बलात्कारों का लाश बिछा हुआ, हिलसा में एक साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, हम वहां आए थे, लगातार नीतीश कुमार जी के 4 किलोमीटर घर हरनौत में 4 हत्या हुई थी, हम वहां भी आए थे, मार दिया था, हम वहां 1 लाख रुपया मदद किए परिवार। उसके बाद होता क्या, हम आते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, चले जाते हैं, फिर वही घटना। आखिर ये हैवान 3 घटना कर चुका है, आज तक कोई मारने वाला इसको क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं मरा आज तक? तीन तीन जो आदमी अपनी चचेरी बहन का बलात्कार करे, जो आदमी मासूम बच्ची का बलात्कार करे, और उसके बाद वो आदमी जिंदा हो, मैं तो हमने तो कहा कि सरकार को अब हम इसको वीडियो वायरल कर दो, मैं आपसे कह रहा हूं, और सरकार को खबर भेज दो, हम उसको ढूंढेंगे चौकीदार को, और जहां होगा ऐसे चौकीदार को उठा के मार के फेंक देंगे एकदम, का कोई राय नहीं है, ऐसे ऐसे चौकीदार को खत्म कर देने की जरूरत है। इसको कानून, ये कोई कानून अब इसके लिए नहीं। तीन तीन बच्ची के जिसने जिंदगी को ले लिया, और कितने बच्चियों की जिंदगी को लिया खत्म किया होगा इसका पता नहीं। उसके बाद जब पिता जाता है तो उसके बाद वो उल्टे, जब भी कोई घटना घटित हुई या इस इलाके में भी, तो हम वहां जाकर के न्याय के लिए लड़ने का हमने प्रयास किया। कभी भी पहले भी जब बिहार शरीफ में 2-2 बार दंगा हुआ, कई घटना घटी वहां, हम पर बम चला बिहार शरीफ में, मेरे सामने में बम गिरे, तब भी हम बिहार शरीफ को हमेशा बचाने का प्रयास किए। जब हम ये गांव आ रहे थे, अभी हम कुछ अपने साथियों से बातें सुने, छात्र अध्यक्ष से भी जो बात आई सामने, चौकीदार या और 2-3 आदमी उनके साथी, पहले भी अपने ही चचेरे बहन के साथ बलात्कार करना, फिर एक मासूम बच्ची दृश्य या कोई मुस्लिम बहनों के साथ बलात्कार करके वो तो घर से ही चुपचाप चले गए यहां से, और फिर यह घटना। हम अभी निर्भया एक बलात्कार हुआ था दिल्ली में 12 में 2012 के बाद, अभी तक ऑन द रिकॉर्ड
164,000 इस हिंदुस्तान में बच्चियों के साथ, मासूम गरीब बच्चियों के साथ, मिडिल क्लास के बच्चियों के साथ बलात्कार हो चुका है। जबकि ऑफ द रिकॉर्ड जो थाना में और अस्पताल में नहीं है वो 7,00,000 से ऊपर बलात्कार हो चुका। अभी बैरगनिया में एक मासूम 14 साल बच्ची का बलात्कार हुआ, प्रियांशु पटेल। 5 दबंगों ने, बड़े पैसे वालों ने उस बच्ची का बलात्कार करके 3 दिनों तक घर में रखा। बाद में तेजाब छीट करके उसको सिगरेट से जला करके पूरा शरीर फेंक दिया। बच्ची के लाश को दबाने की कोशिश की, 3 बहन थी, भाई नहीं था। उस लड़ाई को हम लोग सदन तक से लेके सड़क तक लड़ने का प्रयास किए। नीतीश कुमार जी का ये शहर है। मुझे समझ में नहीं आता 15 सालों से वो राज कर रहे हैं, किस परिस्थिति में कैसे राज कर रहे हैं मुझे तो नहीं पता। ऐसे लोग 17 साल पहले लालू यादव, 15 साल ये, वही डरावना सवाल, डरावना नाम, समाज सुरक्षित नहीं। एक भी अभी हम एक युवाओं की एग्जामिनेशन में जो पैसे वाले को सबको 8 नंबर वाले को रिजल्ट दे दिया, 18 नंबर वाले को छोड़ दिया, बिजली वाले वहां से लड़के आ, डेली लड़ाई। और समाज की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है बिहार में, एक भी यूथ और छात्र सुरक्षित नहीं है, एक भी बच्ची सुरक्षित नहीं है। किसी न किसी घर पर मासूम बच्ची का लाश हो मिल जाता है, हमारे यूथ भटकते रहते हैं। आखिर क्या कारण है कि इन माफियाओं के हाथ में, दलालों के हाथ में, इन गलत लोगों के हाथ में सत्ता क्यों चली जाती है? क्या कारण? ये माफिया अपराधी लोग ही एमएलए एमपी मंत्री बनेंगे, समाज ऐसे लोगों को ही जात के आधार पर यदि मोड़ देगा। तो हम तो सुने कि इस पंचायत में एक्स एमएलए का पंचायत है, अरुण बाबू, फिर यहीं से प्रत्याशी थे कोई महतो जी आरजेडी पप्पू जी, बगल में फिर एक एमएलए भी। और आश्चर्य लगता है आप लोग ऐसे लोगों को वोट देते हैं जो आपकी आवाज भी नहीं उठा पाता, बुरा को बुरा कहने की हिम्मत जिसके भीतर ना हो, और अच्छाई के साथ खड़े रहने की हिम्मत ना हो, और बुरा को मिटा देने की ताकत ना हो, ऐसे लोग भी एमएलए बन जाते हैं, मंत्री बनते हैं, एमपी बन जाते हैं। 15 सालों से नीतीश कुमार जी आपके बिहार शरीफ और नालंदा में कभी बलात्कारों का लाश बिछा हुआ। हिलसा में एक साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, हम वहां आए थे। लगातार नीतीश कुमार जी के 4 किलोमीटर घर हरनौत में 4 हत्या हुई थी, हम वहां भी आए थे, मार दिया था, हम वहां 1,00,000 रुपया मदद किए परिवार को। उसके बाद होता क्या, हम आते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, चले जाते हैं, फिर वही घटना। आखिर ये हैवान 3 घटना कर चुका है, आज तक कोई मारने वाला इसको क्यों नहीं मरा आज तक। 3-3 जो आदमी अपनी चचेरी बहन का बलात्कार करे, जो आदमी मासूम बच्ची का बलात्कार करे, और उसके बाद वो आदमी जिंदा हो, मैं तो, हमने तो कहा कि सरकार को अब हम इसको वीडियो वायरल कर दो, मैं आपसे कह रहा हूं, और सरकार को खबर भेज दो, हम उसको ढूंढेंगे चौकीदार को, और जहां होगा ऐसे चौकीदार को उठा के मार के फेंक देंगे। एकदम उसको कोई राइट नहीं है, ऐसे चौकीदार को खत्म कर देने की जरूरत है। इसको कानून, ये कोई कानून अब इसके लिए नहीं। 3-3 बच्ची के जिसने जिंदगी को ले लिया, और कितने बच्चियों की जिंदगी को लिया और खत्म किया होगा इसका पता नहीं। उसके बाद जब पिता जाता है तो उसके बाद वो उल्टे उसके पिता को हथकड़ी लगा करके पीटा जाता है, बेइज्जत किया जाता है, और उसके बाद समाज को और भी प्रशासन के द्वारा कमजोर किया जाता हो, और ऐसे चौकीदार को, ऐसे आदमी को राइट क्या है जीने का भाई? हम तो ऐसे लोगों को जीने का राइट, हम तो पहले कहा कि सरकार अभी सूटन शायद नहीं कर सकती है, तो जनता कर्फ्यू और जनता विद्रोह की जरूरत। पूरे तरीके से हम इस परिवार के साथ हैं, और पागल होकर के आप सोचिए, आपकी बहन और बेटी
आपको क्या लग रहा है, किसी की बहन किसी की बच्ची सुरक्षित है क्या? टीचर से, नेता से, पड़ोसी से, किसी से? सर्वे है ये बिहार का, 21%